नमस्कार दोस्तों, राइसेंस गैराज में फिर से एक बार आपका स्वागत है। और लास्ट कार के वीडियो में हम लोगों ने इस कार का जो फ्लोर का लेमिनेशन है वो निकाला था, और वो निकालने के बाद हम लोग को इधर सब पानी मिला था अंदर। तो इस वीडियो में मैं ये पानी जो है जो इस कार के अंदर आया है वो किधर से अंदर आया है वो मैं ढूंढूंगा। तो चलिए ढूंढते हैं ये पानी किधर से आता है वो। तो पहले मैं ये सब पानी जो इस कार में आया है वो सक्शन करके बाहर निकालूंगा। तो पानी सक्शन करने के लिए मैं यूज़ करूंगा इस वैक्यूम का। तो अगर आप ये वैक्यूम खरीदना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उधर जाके आप ये वैक्यूम परचेस कर सकते हो। बहुत ही अच्छा वैक्यूम है पानी निकालने के लिए कार में से। तो इसको मैं खोल के थोड़ा आपको दिखाऊंगा। तो ये खोला तो इधर अंदर सब पानी कलेक्ट होता है, इधर आप देख सकते हैं ये अभी एम्प्टी है। और पानी जमा होने के बाद आपको मैं दिखाऊंगा कैसे जमा होता है वो। और ये है इस वैक्यूम का मोटर, तो ये इस कवर के ऊपर रहता है। तो ये पूरा कवर आप इसे ढकेंगे और इसका साइड में आपको लॉक डालना है, और हो गया आपका वैक्यूम रेडी पानी सक्शन करने के लिए। तो इसको मैं अभी थोड़ा चालू करके देखूंगा। ओके, तो अब मैं चालू करूंगा मेरा पानी निकालने के लिए। तो चलिए सक्शन करके सब पानी पहले बाहर निकालते हैं। तो सिर्फ दो ही सेक्शंस में मेरा पानी निकल के हो गया है, और अब मैं आपको दिखाऊंगा कितना पानी इस वैक्यूम ने खींचा है वो। तो इधर आप देख सकते हैं कितना पानी ऑलरेडी इस वैक्यूम ने खींचा है। अब मैं पानी सब बाहर फेंकूंगा और दूसरे दो सेक्शन से वो सक्शन करूंगा। तो सब पानी मेरा सक्शन करके हो गया है, और मेरा अभी कारपेट ऑलमोस्ट ड्राई जैसे हो गया है। अब मुझे बहुत ही आसान है पानी किधर से आता है वो ढूंढने के लिए। तो एसी की ड्रेन जो है वो नीचे से देखा जाए तो इस पैनल के अंदर होती है। तो ये पैनल मुझे अभी खोलना पड़ेगा और देखना पड़ेगा अंदर क्या सीन है वो। तो ये पैनल निकालने के लिए पहले आपको इधर एक स्क्रू रहता है वो आपको निकालना है। अभी वो स्क्रू निकालने के बाद आपके हैंड ब्रेक के कवर को इधर एक बोल्ट रहता है वो आपको निकालना है। वो साइड के बोल्ट निकालने के बाद आपको ये दूसरी साइड में आके ये साइड के बोल्ट निकालने हैं। तो वो सब स्क्रूज निकालने के बाद आपको पैनल को ऐसे थोड़ा खींचना है और आपका पैनल जो है वो ऐसे बाहर निकलेगा। तो ये ऊपर का पैनल निकलने के बाद ये साइड का पैनल ऐसे आराम से बाहर निकलेगा। तो एक प्लास्टिक के क्लिप्स जो है वो आपको अच्छी तरह से रखना है, इनको घुमाना नहीं है। तो ऐसे ही आपको दूसरे साइड में जाके दूसरे साइड में से साइड पैनल भी ऐसे ही निकालना है। तो ये निकल गए मेरे दोनों साइड के पैनल्स। अब मैं इसके अंदर ढूंढूंगा कि मेरा पानी किधर से आता है वो। तो पैनल के अंदर देखिए मुझे क्या मिला है, कैसा इन्फेस्टेशन है इसे, कितने कीड़े मकोड़े इधर है। तो शायद इन्हीं की वजह से मेरा लीकेज हो रहा है, क्योंकि ये चींटियाँ जो है वो स्पॉन्ज के मटेरियल भी कुछ सब खा देते हैं। शायद इन लोगों ने मेरा सील ख़त्म कर दिया है, वो देखते हैं फिर भी लीकेज किधर से होता है वो। तो अब मैं इधर गाड़ी मेरी चालू करूंगा और इसकी एसी चालू करूंगा, और इस साइड से मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है तो दूसरी साइड में मैं चेक करूंगा। तो फाइनली मुझे मेरी लीक मिल गई है। तो वो पानी की लीकेज जो है वो इधर से आ रही है, ये देख सकते हैं आप। इधर आप देख सकते हैं कैसा इधर पानी गिर रहा है वो ड्रॉप बाई ड्रॉप। तो इधर का मेरा सील जो है वो किधर गया मुझे मालूम नहीं। इधर आप देख सकते हैं कितना अंदर है वो, इधर एक उंगली भी आप बहुत मुश्किल से अंदर डाल सकते हो। और एसी ज़्यादा किया तो इधर आप देख सकते हैं ज़्यादा पानी अभी गिर रहा है।
और ऐसा नहीं कि मेरी ड्रेन ब्लॉक है, क्योंकि मेरे ड्रेन में से भी पानी आ रहा है। इधर आप देख सकते हैं मेरी ड्रेन भी ब्लॉक नहीं है, लेकिन इधर मेरा ऊपर का सील जो है वो ख़राब हो गया है, इसी वजह से वो सब पानी मेरे कैबिन के अंदर आ रहा है। तो ये सील चेंज करने के लिए मुझे मेरा पूरा डैशबोर्ड और सब निकालना पड़ेगा, क्योंकि इधर उंगली भी डालना मुश्किल है। लेकिन एक बात अच्छी है कि मेरी ये कार वारंटी पे है, तो ये मुझे सब फ्री में करके मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक है। तो लास्ट टाइम मैं ये गाड़ी शोरूम में लेके गया था, तो उन लोगों ने मेरा सिर्फ एसी ड्रेन क्लीन करके मुझे कार वापस कर दी थी, और इसे सब ठीक ठाक होगा ऐसा मुझे बोला था। लेकिन फिर से मेरा पानी आने को चालू हो गया, और इसी वजह से मुझे ये लीक ढूंढनी पड़ी। तो अब मैंने ये लीक ढूंढ दी है, और ये वीडियो मैंने ऑलरेडी निकाला हुआ है। ये अभी मैं शोरूम में जाके दिखाऊंगा, और वो लोगों को बोलूंगा ये ठीक करने के लिए, क्योंकि मेरी ये गाड़ी अभी तक वारंटी के ऊपर है। और ये सील रिप्लेस करने के बाद आपको मैं इसकी अपडेट दे दूंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने को मत भूलिएगा, और बेल आइकन का दबाएं मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आने के लिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो आपको लेके आता रहूँगा। और अगर आप मेरे और भी वीडियो देखना चाहते हैं, तो इधर साइड में मैंने लिंक डाल दिया है, उधर जाके मेरे सब वीडियो देखे, खुद के रिपेयर करके ढेर सारा पैसा बचाइए। तब तक अपना ख्याल रखें, फिर मिलेंगे।